नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दूरियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का हाथ छोड़कर भारत का साथ देने में समझदारी समझी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आए दिन मसले होते रह रहे। यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान बहुत सारे आरोप लगाता है, जैसे कि TTP पाकिस्तान में अटैक करती है और वो अफगानिस्तान में जाकर छुपती है, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उन TTP को कुछ नहीं करती, बल्कि वो TTP को सपोर्ट करती है कि वो जाकर पाकिस्तान में अटैक करे। एक और मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, वो है ड्यूरन लाइन का, जहां पर अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन को नहीं मानती और पाकिस्तान चाहती है कि ड्यूरन लाइन के ऊपर फेंसिंग किया जाए। इसलिए आए दिन ड्यूरन लाइन पर अफगानिस्तान तालिबान की और पाकिस्तान आर्मी की जंग छिड़ी रहती है। अभी एक और इंसिडेंट देखने मिला है, जहाँ पर अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान को बढ़ते भाव पर कोयला बेच रही है, जहाँ पर वो पहले $90 पर बेचती थी और अभी उन्होंने भाव बढ़ाकर $200 कर दिया है। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी न्यूज़ ये है कि भारत ने ये निश्चय किया कि वो अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से शुरू करेगा, जहाँ पर वो अफगानिस्तान लोगों की मदद कर सके उनके डेवलपमेंट में। तो क्या पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर गया है, जहाँ पर एक तरफ भारत है कि उनको बहुत सारे मसले देता है और अभी अफगानिस्तान भी वही राह पर चल बसा है। वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए या दूरी आई तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के बीच, वहीं हमने देखा कि भारत की तरफ से एक स्टैंड लिया गया, जो कि वो वहां से चले गए थे सब कुछ खत्म करके, लेकिन फिर वो दोबारा से उनका रब्ता हुआ, उनकी मुलाकातें भी हुई और अब तालिबान हुकूमत तो यहां तक कह रही है कि वो अपने जो ट्रूप्स है वो भी ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। तो इस हवाले से अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं या आप इसको कैसे देखते हैं कि उनका रब्ता जो है वो काफी अब बेहतर और ताल्लुकात दोबारा से हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से जो है वो ऐसा महसूस होता है कि वो पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे, और जाहिर है उसकी वजूहत यही है कि पाकिस्तान ने बार बार रोका कि जी इनको रोका जाए और वो सिचुएशन ऐसी रही। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? बिल्कुल, पहली बात तो यह है आलिया, यह बहुत अहम पॉइंट है कि पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी रियासत और अफगान तालिबान के दरमियान उस तरह का रोमांस नहीं है जिस तरह हमारे मीडिया के बाज लोग कह रहे हैं। देखे, वो एक हाथी की शक्ल में बनकर नेटो को बकौल उनके या उनके नजरिए के या अमरीका जैसे सुपर पावर को 20 साल तक उनके साथ लड़कर वो अफगानिस्तान में बरसर इक्तदार आए हैं, तो उनका रोमांस पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनका रोमांस अपने ही साथ है। जिस तरह कल हेबतुल्ला का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने कहा कि दुनिया हमें तस्लीम करती है तो करे, न करे तो हमें परवाह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मैंडेट हम लेकर आए हैं कि हम इस्लामिस्ट पार्टी है या हुकूमत है, हम उसी को आगे लेकर जाएंगे। अब इशू क्या है? अब इशू बहुत कंफ्यूज है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। मिसाल के तौर पर इस वक्त दोहा एग्रीमेंट के बाद अमरीका, खासकर जो बाइडन साहब का स्टांस अपनी जगह पर अफगानिस्तान के बारे में बहुत डिफरेंट है, जिस पर किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो बाइडन का रोल माजी में क्या रहा है और उसके पॉलिसी मैटर क्या है, उस पर किसी ने बात नहीं की। मगर कतर, UAE और सऊदी अरब, ये अमेरिका के सबसे बड़े इतिहादी है और सबसे ज्यादा इमदाद इन्हीं तीन ममालिक की जानिब से आ रही है, और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी बन रहे हैं अफगान तालिबान हुकूमत के साथ। तो आप इसका मतलब यह है कि अमेरिका डिसएंगेज नहीं है, उनकी सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, मगर वो भी एंगेज है। उसकी बुनियादी वजह आलिया ये है कि अफगानिस्तान में कोई 5 साल तक हमें कोई अल्टरनेट सिस्टम या अल्टरनेट लीडरशिप नजर नहीं आ रही, और अफगानिस्तान की जो जुग्राफियाई अहमियत है, जो सियासी अहमियत है, खासकर सीपैक के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, सेंट्रल एशिया के हवाले से, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, रशिया की जो ऑब्जर्वेशन है, चाइना का जो रोल है, वो कोई भी मुल्क लातालुक नहीं रह सकता, बावजूद इसके अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो अब वही वाला इशू या वही वाला सूरत हाल इंडिया के साथ भी है। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी फंक्शन हो गई है, टेक्निकल स्टाफ पहुंच गया है, 22 से लेकर 32 तक उनके तादाद बताई जा रही है, और जो डिप्लोमेट्स हैं वो रास्ते में है या वो तैयारी पकड़ रहे हैं। मगर एक नुक्ता वो ये है कि पाकिस्तान ने अनऑफिशियली या ऑफ द रिकॉर्ड इस वाली हरकत पर, जो कि मीटिंग्स हुई है अफगान हुकाम और इंडियन ऑफिशियल के दरमियान, या जो रब्ताकारी हुई है या वहां पर
इन्वेसिव फायर हो रही है, इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। लेकिन इंडिया की एम्बेसी बहाल हो रही है ये आप बता रहे हैं, और जो तालुकात की उनकी द्वारा से बात हो रही है और इसके साथ जो ट्रूप्स वहां पे भेजे जाएंगे ट्रेनिंग की, तो इस हवाले से भी उनकी बात हुई, तो ये बात सही हुई कि उनके तालुकात अब बहाल हो रहे हैं। और आपने हाँ, टेक्निकल स्टाफ पहुंच गया है, 3-4 दिन हो गए कि इंडियन एम्बेसी में टेक्निकल स्टाफ ने टेक ओवर किया है, वो लोग पहुंच गए हैं। सिर्फ अच्छा। सफीर का या बाकी जो जो अताशीज वगैरह होते हैं उनका आना बाकी है, बाकी टेक्निकल स्टाफ ने अपना काम शुरू कर दिया है और पाकिस्तान ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को कोयला जो है वो बेचता है। और आप अगर बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन का नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो अफगानिस्तान जो है उसने एक फैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। ये बात जो है वो अफगानिस्तान की जो वजारत पेट्रोलियम व मादनियात जो है, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स जो है, उसके स्पोक्स पर्सन ने यह बात की। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के वजीर अजम शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अफगानिस्तान से हम कोयला जो है वो इम्पोर्ट करेंगे, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान का कोयला हमको सस्ता पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह थी कि हमें वो कोयला डॉलर में नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। तीसरी बात यह थी कि क्योंकि पाकिस्तान अपना मेजॉरिटी कोयला जो है वो साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। अब देखिए ना, ये भी जुल्म है पाकिस्तान के साथ, जुल्म दर जुल्म है पाकिस्तान के साथ। कि पहली बात तो ये है कि आप पिछले 40 साल से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, इकोनॉमिक लेंस से देखा ही नहीं। अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 70 कोयले की काने हैं, 70 के करीब कोयले की काने हैं, 70 के करीब, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 17 जो कोयले की जो माइंस हैं वो ऑपरेशनल हैं, बाकी वो जो अफगानिस्तान ने रखी हुई हैं एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखी हुई हैं। अब पाकिस्तान ये जो कोयला है अपना अफ्रीका से मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है या इंडोनेशिया से मंगवाता है या ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है, क्योंकि हमारे जो चीनी भाई हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे जो हैं वो क्या क्या कहूँ आप इसको, क्योंकि चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से ज्यादा मीठी है, तो मैं इसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब वो उन्होंने जो कोयले के प्लांट लगा के दिए हमें और कहा जी कि बिजली इससे पैदा करें और सारा कुछ, और वो जो उन्होंने एक हमारे लिए मैकेनिज्म तैयार किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी की नीड्स हम पूरी करेंगे, वो कि काफी हद तक पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिसमें पानी पानी है और हम सारा पानी समंदर में गिरा देते हैं, हम डैम नहीं बनाते अपने, और फिर बातें करते हैं भारत को, बातें करते हैं इंटरनेशनल साथियों को, क्योंकि हम सारा टाइम सियासत खेलते हैं, तो हमारा वो जो नेशनल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उस पर तो ध्यान ही नहीं था। अब मैं आपको बात बताऊं कि अब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि कोयला जो है वो अफ्रीका से मंगवाता, साउथ अफ्रीका से मंगवाता, और अब हुआ यूं है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ठीक नहीं है और पाकिस्तान को कोयला जो है वो दरामद करना पड़ता है, और इनकी तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इनको तो जारी बात है इस चीज का बड़ा फायदा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो कोयले की दरामद है जब हम करेंगे तो तकरीबन पाकिस्तान को $2 अरब की बचत होगी, क्योंकि पैसा हम लोकल करेंसी में देंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी भी चल जाती है, बहुत सारे एरियाज में लार्जली चलती है पाकिस्तानी करेंसी, क्योंकि बहुत सारा अफगानी पाकिस्तान में है। ये जो पोस्ट यूएस विड्रॉल है अफगानिस्तान का, इसके बाद तकरीबन 2.5-3 लाख अफगानी पाकिस्तान आ गया, तो अफगानियों के लिए तो पाकिस्तान इज जस्ट लाइक ए होम, अनदर सेकेंड होम सिंपली, मतलब देर इज नो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि वो सेकेंड होम है। मैं यूएस में था जब, तो बहुत सारे हमारे अफगानी दोस्त में मिलते थे वहां पे, तो वो बताते थे कि हम पाकिस्तान में वहां रहे, कौन से शहर में रहे, क्या करते थे, और इधर सो लार्जली जो अफगानिस्तान में लोग रहे हैं जो बाहर गए हैं वो पाकिस्तान जरूर आए हुए हैं। अच्छा, खैर नहीं हो, ये जो चीज है कि अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम अफगानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान ने एक शिक लगा दी इसके ऊपर, अब पाकिस्तान की भी तो इस पर बंदा क्या बात करे। जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि हम अफगानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे, उन्होंने जो कोयला है उसकी कीमत $90 per ton से बढ़ा के $200 per ton कर दी, और उन्होंने कहा जी कि ये अब क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए तो अब हम इसकी कीमत जारी बात है बढ़ाएंगे। अब पाकिस्तान चाहता था सस्ती बिजली पैदा करे क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं है,
अब अगर आपने इस तरह करने की चीज है तो ये अंदर खाते आप पब्लिक में, अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई चीज ऐसी अवाम को देना चाहती है जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन हो। जब डोमेस्टिक कंजम्पशन होती है तो इंटरनेशनली जो एक्टर्स देख रहे होते हैं फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस तरह तालिबान ने कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अफगानी कहते हैं, तालिबान कहते हैं कि जिन वो अफगानिस्तान, वो तालिबान जिसके लिए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब और हम एडवोकेसी कर रहे हैं, वो तालिबान जिस वो अफगानिस्तान जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाह रहे हैं पिछले 40 साल से, क्योंकि वैसे अब हमने 10-12 साल से कहा है कि हम उसको नहीं बनाना चाहते क्योंकि अब वो अफगानी नहीं हमें बनाना देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछले अशरफ गनी और करजई वगैरह आए हैं इन्होंने सिंपली नो कहा। एनी हाउ, इसीलिए तो अफगानिस्तान में बहुत सारे मसाइल भी हैं।